कितना भी आलस आ गया तभी यह करके सोइए, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। लोग जब सेक्स करते हैं तो सेक्स के बाद में लोगों को उठ के बाथरूम जाना जान पे आता है, आलस आता है, वैसे थकान आती रहती है और फिर वैसे ही सो जाते हैं। तो वैसा कुछ भी आपका मूड हो गया, कितना भी आलस आ गया, कोई भी मानसिक अवस्था रही, तभी भी सेक्स के बाद में सभी लेडीज ने यूरिन को जाना जरूरी है। यूरिन हम जब जाते हैं तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है, मतलब पेशाब को जाना जरूरी है। यदि आप पेशाब जाएंगे, बाथरूम जाएंगे तो आपका बाथरूम जाएंगे तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है, मतलब यूरिन का जो रास्ता है, वो जो ट्यूब है, उसमें से वीर्य अंदर जाके इन्फेक्शन करने का धोखा होता है, तो वो धोखा निकल जाएगा। क्योंकि पेशाब कर लेंगे तो हो सकता है कि कुछ बूंद वीर्य के पेशाब की नली में जाएंगे, तो वो जाएंगे नहीं। यदि आप यूरिन करेंगे तो वो फ्लश हो जाएगा और फ्लश होकर बाहर निकलेगा, तो कोई भी इन्फेक्शन ऊपर जाने का चांस नहीं है। या उस समय कुछ वजाइनल इन्फेक्शन भी रहा स्त्री को, तो उस समय वो भी जा सकता है कभी ऊपर, तो वो भी जाने का धोखा उसमें होता नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि कितना भी नहीं अभी जान पे आ गया, नहीं तभी भी जाना जरूरी है, नहीं तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत है। और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मतलब क्या है? पेशाब में जलन होना, फिर बुखार आना, फिर अस्वस्थ रहना और फिर सेक्स में इच्छा नहीं होना। क्योंकि ऐसा कभी होते रहा सेक्स के बाद में तो फिर सेक्स की इच्छा ही नहीं होती, तो वो हरदम करना चाहिए। तो लेडीज ने, महिलाओं ने सेक्स के बाद में हरदम यूरिन को जाना जरूरी है। पुरुषों के लिए उल्टा है। पुरुष ने सेक्स के बाद में कम से कम आधा एक घंटा नहीं जाना है, क्योंकि वो जाएंगे तो उल्टा इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। तो पुरुष गए तो अच्छा है, कोई मतलब ये नहीं है, मगर टालना चाहिए पुरुष वाले, उन्होंने नहीं जाना चाहिए और स्त्री ने जाना चाहिए। देखो, हनीमून सिस्टाइटिस नाम का मेरा एक अलग वीडियो है, वो आप देखिएगा। उसमें हनीमून पे जब कपल जाते हैं तो उस समय क्या रहता है कि शादी के बाद में बहुत जोश रहता है, दो चार बार दिन में सेक्स होते रहता है, तो उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का, यूरिनरी ट्रैक में वीर्य जाना या वहाँ का इन्फेक्शन ऊपर जाने का। पेशाब करने से ऐसा नहीं होता कि पेशाब कर लिया तो प्रेगनेंसी होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, पेशाब कर लिया तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। जो होना है वो होगा, मगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो सिक्रीशन ऊपर जाने से होता है वो होगा नहीं। अभी समझो किसी को पेशाब नहीं आती है, स्त्री को पेशाब समझो नहीं आ रही है सेक्स के बाद में, तो पहले ऐसा करना है कि वह सेक्स के 2 घंटा पहले यदि आप पानी पी लेते हैं, 1 गिलास 1.5 गिलास पानी पी लेते हैं, तो क्या होगा, पेशाब कम से कम 2 घंटे में तैयार हो जाती है। और फिर सेक्स के बाद में पेशाब लगेंगी और पेशाब फ्लश कर देंगी, कोई इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन होगा नहीं। यह सूचना वो लोगों के लिए जरूरी है जो महिलाओं को स्पेशली यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बार बार होता है, मतलब यूरिन में इन्फेक्शन बार बार होता है, इनको तो ये होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है, तो इन्होंने स्पेशली ये केयर लेना जरूरी है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो सभी कपल्स को, सभी महिलाओं को शेयर करो ये, ताकि उनमें जो प्रॉब्लम आता है, उनमें जो बीमारी आती है, यूरिन का इन्फेक्शन होने का चांस है, वो होगा नहीं और उनका लाइफ अच्छा रहेगा। हमारा जो हॉस्पिटल है, यहाँ हम रिलेटिव्स के अलावा लोगों को भर्ती करते हैं। मानसिक रुग्ण जो है, मारामारी करने वाले, बहुत हिंसक है लोग, उनको हम बिना रिलेटिव भर्ती करते, उनको घर से लाते हैं और फिर अकेले लाके उनको अकेले भर्ती करते हैं, और रिलेटिव के साथ में भी भर्ती करते हैं। दोनों भी हमारे यहाँ भर्ती की व्यवस्था है। शराबी है, गांजा एडिक्ट है, मॉर्फिन एडिक्ट है, पेथिडिन एडिक्ट है, या मंदबुद्धि के लोग हैं, उनको सभी को हम हमारे हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। वह आप हमारे यहाँ कोई भी पेशेंट को रेफर कर सकते हैं। और सेक्स के जो पेशेंट है तो उनको हम ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, उनका सेक्सुअल काउंसलिंग करते हैं, सेक्स काउंसलिंग, उसके लिए हमारा एक सेक्स सेमिनार चलता है 10 दिन का, तो वो भी करते हैं। दवाई हमारे यहाँ से भेजते हैं, जो हमने स्पेशली कुछ तैयार की हुई है वो दवाइयाँ हैं, तो वो दवाई भेजते हैं और आपका जो प्रॉब्लम है वो हल करने में सहायता करते हैं। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केळकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।